Good morning, class. Today we are going to start Hindi first for class third. So this is your book, Iris Akriti Hindi Pathshala. Everyone, take out your books. And open a chapter. Chapter number first. Chapter number first. Chand ka kurta. Paath hai chand ka kurta. Sab log apne apne book nikaliye. और पाठ एक चांद का कुर्ता खोलिए. आई होप सबने अपनी अपनी बुक निकाल ली होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा और समझिएगा भी कि हम आपको क्या समझा रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको सब समझ में आएंगी. चलिए. हट कर बैठा चांद एक दिन, बोलिए आप लोग भी. हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला. सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ. बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने. जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ. कभी एक आंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा. घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है. अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीते एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए. ठीक है, तो ये अभी हम लोग ने पोयम की रीडिंग लगाई है. अब हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि ये क्या है. तो क्या है चैप्टर से आप लोग को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि चांद का कुर्ता. तो इसमें बोलता है जो बच्चा है वो चांद है, वो जो बच्चा है वो आपका चांद है, और वो अपनी माँ से बोल रहा है. जो चांद है, चांद एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी जो चांद आसमान में निकलता है ना, तो वही है, वो अपनी माँ से बोल रहा है. हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला. हट कर बैठा चांद एक दिन, हट मीन्स क्या होता है, जिद करना. आप लोग भी किसी चीज़ की जिद करते हो ना, तो वैसे वो भी है, वो भी जिद करके बैठा है और अपनी माँ से बोल रहा है. तो जो इसमें कवि हैं वो बोलते हैं कि हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यो बोला. जो चांद है वो एक दिन जिद करके बैठा था, एकदम जिद पे अड़ गया था और अपनी माता से बोल रहा था.
सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला क्या होता है? एक कुर्ते की तरह होता है, बस हाथ में डाला जाता है, पूरा ढीला ढाला एकदम से होता है, तो वही झिंगोला उसी को कहते हैं। तो वो बच्चा जो है, जो चांद है, वो अपनी माँ से एकदम जिद करके बैठा है कि माँ मुझे भी ऊन का एक झिंगोला सिलवा दो। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? सनसन चलती हवा रात भर, सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कह रहा है सनसन चलती हवा रात भर, जो हवा है उसकी जो आवाज़ है वो सनसन करके चल रही है, जाड़े में मरता हूँ, मतलब वो चांद जो है एकदम नंगा है, मतलब उसके पास बिल्कुल कपड़े नहीं है, निर्वस्त्र है वो, और वो वही बोल रहा है कि सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। जो हवा रात में ठंडी ठंडी चल रही है उससे मैं क्या होता है, लगता है कि अब मर जाऊँगा कि कब मर जाऊँगा, इतनी उसको ठंड लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, मतलब उसको इतनी ठंड लगती है उस हवा से कि वही बोल रहा है अपनी माँ से कि ठिठुर ठिठुर कर। क्या होता है, देखिए जब ठंड पड़ती है तो आप लोग को क्या होता है, आप लोग कंबल के रजाई के अंदर घुस जाते हैं, आप लोग लेटे रहते हैं तो हाथ पैर पूरे सिकोड़ लेते हैं, पूरा एकदम अच्छे से सी टाइप में बन के आप कंबल के अंदर रहते हैं ना, तो वही बोल रहा है कि ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, मतलब ठंड में ठिठुरे रहता हूँ। तो आप कभी देखिए ना कि चाँद जो है पूरब में निकलता है और यात्रा पूरी करता हूँ, उससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब कि चाँद पूरब में निकलता है और यात्रा करते करते पश्चिम में आके डूब जाता है, मतलब डूबता क्या है, वो दिखाई नहीं देता, सूरज की रोशनी जब मॉर्निंग में सूरज की रोशनी जब होती है तो रोशनी से वो दब जाता है, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो वही बोल रहा है कि सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कि रात में जो सनसन हवा चल रही है, जो हवा में साउंड है उसका सनसन सनसनाहट की, वो ठंडी है, बहुत ठंडी है, और किस तरह मैं ठुठ ठुठ के अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। बच्चा जो है इतनी सारी बात बोल दिया, बच्चा क्या बात बोला था, देखिए बोला ना, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो ये जो बच्चा है वो अपनी माता से ही सारी चीज़ें बोल रहा है। इसमें क्या है, देखिए माता उसकी बातें सुनकर बोलती है, बच्चे की सुन बात कहा माता ने। बच्चा जो ऊपर जितनी इसमें बात बोली है, इतनी सारी बातें सुनकर उसकी माँ बोलती है कि बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। अरे सलोने, प्यार से बच्चों को लोग बोलते हैं ना, मेरा बाबू है, मेरा सलोना है, तो वही बोलते हैं प्यार से। लाड में माँ ने बोला कि अरे सलोने, कुशल करे भगवान, कि भगवान कुशल करे, लगे न तुझको जादू टोने। कि भगवान की हमेशा, भगवान हमेशा कुशलता करे कि तुझको कभी किसी की नज़र ना लगे, कोई तुझ पे कोई जादू टोना भी ना कर पाए। तो ये उसकी माँ कहती है। माँ क्या कहती है, देखिए, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। जो बच्चा सारी बातें बोल रहा था कि ठिठुर ठिठुर का किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, इस टाइप की जितनी बातें उसने बोली, उसी पे माँ ने बोला कि अरे सलोने, प्यार से बोला कि अरे मेरे बच्चे, कुशल करे भगवान,
लगे न तुझको जादू टोने। भगवान हमेशा कुशल करे कि तुझ पे जादू टोने का कोई असर ना हो, तुझको कभी कोई नज़र ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, पैर पर मैं तो डरती हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है कि जो तू बोल रहा है वो सारी बातें ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। लेकिन माँ क्या बोल रही है कि जाड़े की तो बात ठीक है लेकिन मैं डरती हूँ। डरती क्यों हूँ? एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। जो माँ है वो बोलती है कि तू कि जाड़े की तो बात ठीक है, चलो मैं जाड़े में तुमको सिलवा भी दूँ, लेकिन पर मैं डरती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। एक माप मतलब क्या था? नाप में। कभी तुमको एक नाप से क्या मतलब? एक साइज। कभी आप मून को देखिए, चांद को देखिए, कभी आपको एक साइज में नहीं दिखाई देगा। कभी पूरा गोल, कभी आधा से ज़्यादा हाफ रहता है, या फिर कभी पूरा हाफ रहता है, और कभी देखिए एकदम छोटा सा दिखाई देता है। तो वही बोल रही है माँ उसकी कि जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। ठीक है, तो उसकी माँ बोलती है कि जाड़े की तो चल बात ठीक है, मैं सिलवा दूँ, पर मैं तो डरती हूँ। तू जो भी बोल रहा है वो सारी बात सही है, लेकिन मुझे डर लगता है कि तू एक माप में कभी नहीं देखा। मैंने तुझको कभी भी एक नाप में नहीं देखा। आगे क्या बोलता है देखिए। कभी एक आंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। क्या बोल रही है उसकी माँ कि कभी एक आंगुल भर चौड़ा। एक आंगुल भर चौड़ा मतलब क्या है? कभी एक उंगली के बराबर चौड़ा होता है। ठीक है, कभी एक आंगुल भर चौड़ा, कभी एक उंगली के बराबर चौड़ा होता है। कभी एक फुट मोटा, या फिर कभी एक फुट मोटा हो जाता है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। किसी दिन बड़ा हो जाएगा, पूरा अच्छा सा राउंड शेप में चंद्रमा हो जाता है, और किसी दिन छोटा हो जाता है। ठीक है, क्या है देखिए। कभी एक आंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी एक उंगली के बराबर चौड़ा रहता है और कभी एक फुट मोटा हो जाता है। किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन बहुत छोटा हो जाता है। बढ़ता घटता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। ठीक है, बढ़ता घटता बढ़ता रोज किसी दिन। देखिए रोज क्या है? रोज कभी कभी देखिए इसको चंद्रमा देखेंगे, कभी एक साइज में आपको नहीं दिखेगा। देखिए जैसे यही भी इस पिक्चर में शेप बना है, एक साइज का कोई नहीं है। देखिए कोई एक साइज का आपको नहीं दिख रहा है। तो वही उसकी माँ बोल रही है कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन। रोज तो किसी ना किसी दिन घटता बढ़ता रहता है, ऐसा भी करता है। तू ऐसा भी करता है कि रोज बढ़ता घटता रहता है। नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि तू किसी की आंखों को दिखला ही नहीं पड़ता है। ठीक है, कभी किसी की आंखों को तू दिखलाई नहीं पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। मतलब उसकी माँ पूछ रही है अपने बेटे से कि अब तू ही मुझे बता दे कि तेरा नाप मैं किस रोज लूँ। मतलब कभी एक आंगुल भर चौड़े पे लूँ, या फिर कभी घटते बढ़ते में लूँ, या फिर कभी एकदम से छोटा हो जाए तब लूँ। तो पूछ रही है कि तू अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। अब तू ही यह बता, उसकी माँ बोलती है कि मेरे सलोने तू ही बता कि तेरा नाप मैं किस रोज लूँ। सी दे एक झिझोला जो हर रोज बदन में आए। तो चांद क्या बोलता है कि ऐसा झिझोला सिल दे कि जो मेरे हर रोज बदन में आए। मतलब वो जो चांद है, चांद एक बच्चे के रूप में इस कविता में है। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। तो ये कवि बोल रहे हैं कि बच्चा बोलता है कि तू ऐसा मेरे नाप पे मत जा, तू मुझे ऐसा एक झिझोला सिल दे जो हर रोज़ बदन में आए। उस वो ऐसा बोलता है कि मुझे ढीले से और फिटिंग से कोई मतलब नहीं है, जब मैं बढ़ूं तो भी
वो मेरे शरीर में आ जाए, मैं घटूँ तो भी हुआ। अब आप सिलवाते हैं अपना कोई कपड़ा, सिलवाते हैं नाप का, तो आप क्या होता है, अगर आप थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं तो वो कपड़ा फिटिंग हो जाता है, टेलर के ही वो कपड़ा रहता है, लेकिन आप उस बीच में अगर थोड़े से हेल्दी हो गए तो वो कपड़ा एकदम फिटिंग का होता है, फिर आपको फिट होने लगता है। और वही थोड़ा से दुबले पतले हो जाएंगे, थोड़ा सा शरीर कम हुआ तो कपड़ा ढीला हो जाएगा। तो वो चांद बोलता है मुझे उससे मतलब नहीं है, बस तू मेरे लिए सिलवा दे जो हर रोज़ बदन में आए, किसी भी शेप में रहूँ बस मेरी बॉडी में वो आ जाए। तो ठीक है, एक बार चलिए हम फिर से आप लोग को एक शॉर्ट में बता दे रहे हैं, क्या बोलता है, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक जिगोला। हटकर बैठा मतलब जिद करके चांद एक दिन बैठता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे भी एक ऊन का जिगोला सिलवा दे। जिगोला मतलब जो कपड़े जैसा होता है, एक ऊन का ढीला डाला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। हवा जो है एकदम सनसन चलती है और उससे लगता है कि मैं मर जाऊँगा, किसी तरह ठिठुर ठिठुर कर मैं अपनी पूरी यात्रा पूरी करता हूँ। मतलब चंद्रमा जो है पूर्व में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो उसी को यात्रा वो अपनी बता रहा है। बच्चे की सुन बात माता सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगी न तुझको जादू टोने। जो बच्चे की वो बात सुनकर माता बोलती है कि अरे मेरे सलोने भगवान करे कभी तुझको कोई जादू टोना ना लगे। जाड़ी की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, जो जाड़े की तो बात ठीक है लेकिन मुझे डर लगता है कि एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, तुझे कभी मैं एक माप, माप यानी क्या होता है नाप में यानी साइज, तुझे कभी भी एक साइज में मैं नहीं देखती। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, कभी एक अंगुल भर चौड़ा हो जाता है और कभी एक फुट मोटा हो जाता है तू। बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा, किसी दिन बहुत बड़ा हो जाता और किसी दिन छोटा हो जाता है, तो मैं किस नाप का जिंगोला सिलवाऊँ। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। क्या है, तू घटता बढ़ता रहता है, रोज तेरा साइज घटता है, तेरी नाप रोज घटती बढ़ती रहती है, तो मैं तेरे लिए किस तरह का झिंगोला सिलवाऊँ, किस नाप में तेरा झिंगोला सिलवाऊँ। कभी कभी ऐसा होता है कि तू आंखों को दिखला ही नहीं देता है, आसमान में रहता है लेकिन तू आंखों को दिखलाई नहीं देता है। कभी देखिए चंद्रमा निकलता है, कोई फेस्टिवल पड़ता है, जैसे मम्मी लोग का व्रत पड़ता है कोई, तो मम्मी लोग चांद देख के पानी पीती है लेकिन क्या होता है चंद्रमा नहीं दिखता है। तो वही बोला, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी की आंखों को तो दिखलाई नहीं पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, अब तू ही मुझे बता दे कि मैं तेरा नाप किस दिन आकर लूं। ठीक है, उसकी माँ बोलती है कि अब तू ही बता कि मैं तेरा नाप किस दिन लूं। सी दे एक जिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए, चांद क्या बोलता है कि मुझे ऐसा जिंगोला सिल दो कि जो मेरे हर रोज़ बदन में आए, तुम मेरी नाप की चिंता मत करो, जो सबसे बड़ा नाप है उसी के नाप का सिल दो, मैं घटूंगा बढ़ूंगा फिर मैं उसी साइज़ में रहूंगा, मैं पहन लूंगा। बस वो अपनी माँ से इतना ही बोलता है कि मुझे जिंगोला सिल दो। तो ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका पोयम था, फर्स्ट चैप्टर आपको समझा दिया अच्छे से, आई होप आप लोग को समझ में आया। तो आप लोग उसको पोयम लर्न कीजिए एंड इसकी वर्ड मीनिंग लर्न कीजिए, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर देंगे। सो थैंक यू सो मच।